मैं आता बोलायचं काय करायचं काय आमच्या भूमिपुत्रांनी? ये लोग को मेरे को मालूम नहीं पड़ता है, कुछ भी होता है तो आदमी के पेट के ऊपर अटैक करते हैं। मैं चाहिए मैं इसलिए हम लोग इनका इनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, यह हमारे वसाई के ऊपर अत्याचार हुआ है। आपने घुस के जो हुकुमशाही जो मेरे ख्याल से थे मुगल टाइम या ब्रिटिश का टाइम में भी ऐसा कार्रवाई हुआ नहीं होएगा ऐसा मेरा तो ख्याल है। ये महानगर पालिका ने और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने टोटली इलीगल है। तो ये एक रिसोर्ट तो नहीं, यहाँ पूरे एरिया में टोटल 40-50 रिसोर्ट बांधे हुए, तो ये तहसीलदार को पैसे नहीं मिले क्या? ये कलेक्टर को पैसे मिले नहीं क्या? या पुलिस डिपार्टमेंट ने ये पैसे खाए नहीं क्या? ये हर एक को हर एक के पास हर महीने हफ्ते इनके पास पहुँचते हैं। तो यहाँ लोगों ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। जैसा चीफ मिनिस्टर को भी हम इसमें पार्टी बनाएंगे, एकनाथ शिंदे को भी मैं पार्टी बनाऊंगा इसमें। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ये कार्रवाई आप देख पा रहे हैं, बुलडोजर बाबा की कार्रवाई, जिसे आप देख रहे हैं। लगातार दो दिन से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 7C रिसोर्ट को किस तरीके से धराशाही कर दिया गया है। एक परिवार का पूरी तरीके से सपना चूर हो चुका है। अब इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके चलते वो दोबारा से खड़े हो सके, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। कल बच्चों से हमने परिवार की बातचीत की, बच्चों का कहना है हमारी क्या गलती थी, जिनकी गलती थी उन्हें सजा दी जाती तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन ना सिर्फ 7C रिसोर्ट को ध्वस्त किया है बल्कि उनकी पीढ़ियों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। एक कहावत होती है कि आपकी नस्ल को उजाड़ कर रख देंगे, तो वाकई में ये आपको धरातल पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कानून के जानकार हैं, भूमिपुत्र हैं और परिवार से लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। क्या कहेंगे आप यहाँ पर जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई उस पर क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ हुआ था? कुछ बोल सकता नहीं, बस सभी खत्म। हाँ, आम्हाला फार म्हणजे मानसिक त्रास झालेला आहे, कारण की तुम्ही बोलता तर नुसार भरपाई झाली आणि 100-200 माणसाचं कुटुंब आहे आणि त्यांचं तर उद्धूस झालेलंच आहे। आता कायदेशीर कारवाईप्रमाणे आमची माणसं आतमध्ये आहेत, पण हे जे काय वास्तू तोडली गेली आहे, रिसॉर्ट तोडलं गेलं आहे, ते उभं राहणं फार कठीण आहे आणि त्याचा त्रास आम्हाला होतो आहे। मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिला असं ते नगरपालिकेचे लोक बोलतात, परंतु लेखी वगैरे आम्हाला काही कळवलं नाही का तुम्ही बाबा तुम्हाला नोटीस आहे वगैरे वगैरे असं आम्हाला कुठलीही कल्पना न देता त्या लोकांना हातगाई म्हणजे पूर्ण 11-12 ही सुरुवात केलेली आहे आणि कुठलंही आम्हाला इथे सामान काढण्याची मुभा दिलेली नाही। आम्हाला आज सुद्धा येऊ दिले 24 घंटे की अंदर कार्यवाही होईल, रात के 3:30 बजे तक, 3-4 वाजेपर्यंत कारवाई चालू होती। आता ही कायद्यात बसते का की जेणेकरून रात्र अपराशी पण आम्हाला कुठली कल्पना देता दिली की आम्ही अनलेगी आहेत विजय साहेबांनी सांगितलं ते आम्हाला पूर्ण त्यांचे अधिकारी पण आम्ही 3 वर्षाची आगाऊ घरपट्टी पण लावलेली आहे त्याला घरपट्टी आम्ही महसूल म्हणजे घरपट्टीचे महसूल पण भरतो आहे सर्व काय भरतो, पण असं होणं हे आहे की आता प्रथम आपले मुख्यमंत्रीच असे करायला लागेल। लाडली बहीण म्हणतात अरे याच्यामध्ये किती बायका आहेत, कितीतरी स्त्री आहेत त्याच्यात, आज स्त्रियांना असा त्रास होत असेल मग तुम्ही लाडली बहिणी त्यांना काय देत असेल? आणि त्यांच्या आज आक्रोश बघितलं लाडल्या बहिणीचं का तुम्ही असं करतं उद्ध्वस्त संसार करत असेल आमचं, मग हे काय तुम्ही मुख्यमंत्री आहात ना, मुख्यमंत्री तुमच्या नावाने पिकले का आम्हाला तिथून आदेश आहे काय लेखी आहे का आदेश वगैरे काही न दाखवा। आम्ही त्यांना जाब पण विचारले नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पण आम्हाला काही नोटीस वगैरे आम्हाला अधिकाऱ्यांना काही दिलं फक्त शाब्दिक अधिकार। मग आता बोलायचं काय करायचं काय आमच्या भूमिपुत्रांनी? आता भूमिपुत्र आता इथे बघितलं सर्व खडकाळ झालेलं आहे, आता शेती पण होऊ शकत नाही कधी, मग आम्ही करायचं काय? आता जे लोक बाहेर आल्यानंतर त्या घरी गेल्यानंतर आक्रोश तुम्ही बघितला असेल बाई बहिणींचा की आम्ही करायचं काय? आता शासन असं करत असेल मग आम्ही कोणाकडे नाही मागायचं, कोणाकडे नाही मागायचं? मग आता मुख्यमंत्रीच असं होतं आदेश देत असेल मग नाही मागायचं कोणाकडे, मग आम्ही करायचं काय? तो आप समझ पा रहे हैं परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर भूमिपुत्र नेता के तौर पर जाने जाते हैं विजय पाटिल, कांग्रेस नेता भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहना है उनका इस पूरी कार्रवाई पर। क्या कहेंगे सर, इस कार्रवाई को आप देखने आए हैं, क्या लग क्या रहा है आपको इस कार्रवाई को देखने? मैं ये कार्रवाई का पूरे दिल से निषेध करता है, वसई वाले के सब जनता के तरफ से निषेध करता है, क्यों ये जो कार्रवाई हुई वो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आज जो सरकार बैठी है ये लोग को मेरे को मालूम नहीं पड़ता है, कुछ भी होता है तो आदमी के पेट के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे कि रिसोर्ट किधर भी होने दो, अभी अपोजिट पार्टी का रिसोर्ट हो गया या कुछ बांधकाम हो गया तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का, उसको ब्लैकमेलिंग करेगा, ये तो हमारे पक्ष का कार्यकर्ता बनो तो हमको आप सबको माफ़ करेंगे।
मगर ये धंधा अभी ना इसका एंड आया है, वो तो दिल्ली भी मालूम पड़ता है कि एंड आया है। और ये जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई कानूनी हुई ही नहीं है, क्यों, ये कितना बरसों से रिसोर्ट चालू है, इसने टैक्स भरा है, इसने जो इनकम करते तो इनकम टैक्स भरा है, सेल टैक्स भरा होएगा, तो सरकार को, सरकार ने भी इससे कुछ कमाई खाई आई ना घर बैठ के। और जो रोजगार आज 125 आदमी का रोजगार गया, और भूमिपुत्र देश का एक कानून निकला है कि टूरिज्म डेवलप करो, तो टूरिज्म डेवलप करो तो ये गांव वाले अपने ज़मीन में एक टूरिज्म डेवलप करने हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि उसको बर्बाद करना चाहिए। मैं इसलिए हम लोग इनका इनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, यह हमारे वसई के ऊपर अत्याचार हुआ है, और इसका खुलासा हम लोग कल आयुक्तों को जाके मिलेंगे, उसके पास से खुलासा मांगेंगे कौन से कायदे से आप लोग ने कार्रवाई किया है, जो घटना घड़ी उससे इसे संबंध क्या, जो घटना घड़ी हम लोग उसका निषेध करते, नहीं होना चाहिए, किसका जान बड़ी बात होती है, उसके घर में दुख हुआ होगा, हम लोग उसके दुख में जरूर शामिल है, मगर वो घटने से और इनका कोई संबंध नहीं था ना। आपने घुस के जो हुकुमशाही, जो मेरे ख्याल से थे मोगल टाइम या ब्रिटिश का टाइम में भी ऐसा कार्रवाई हुआ नहीं होएगा ऐसा मेरा तो ख्याल है, मगर ये जो हुकुमशाही चल रही है, ये हुकुमशाही हम लोग सहन नहीं करेंगे, हमारे भूमि पुत्रों को न्याय देंगे, इतना ही मैं बोलना चाहता हूं। इलीगल कहा जा रहा है, रिसॉर्ट्स जो यहां पर हैं ये पूरी तरीके से इलीगल बताया जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप, मैडम कैसे पास हुआ ये सब कुछ? नहीं मैडम, इलीगल किसको बोलते हैं, जो सीमेंट कंक्रीट का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना उसको उसकी परवानगी लिया जाती है, मगर इधर तो ग्राम पंचायत भी है, तो ग्राम पंचायत ने एक दफ़ा NOC दिया तो आदमी का एक फाउंडेशन बन जाता है, तो एक आपके पास कुछ भी लेटर होएगा, घर पट्टी होएगा, अपने उसके टैक्स होएगा, अपना इसका इलेक्ट्रिसिटी इधर लाई होएगी, उसका बिल भरते होएंगे, तो उसको पहला हक है कि कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में जाना, न्याय मांगना, आगे माननीय कोर्ट पड़े है ना, वो डिसाइड करेंगे ना बाद में क्यों वह ये इनलीगल है कि लीगल है, वो बाद में होंगे। यहाँ मुख्यमंत्री और अधिकारी चला रहे हैं, चला ही रहे हैं ना, इसके लिए तो हम लोग कल उसको शिष्टमंडल जाके इसका जवाब पूछेंगे कि ये कार्रवाई सही है, इसको हमको लिख के दे दो, नहीं तो हमारे खिलाफ सजा भोगने को तैयार हो जाओ, इतना ही बोलेंगे। निश्चित तौर पर इसका सभी निषेध कर रहे हैं, जिनकी जान गई है उनको सभी की श्रद्धांजलि है, साथ ही उस परिवार के साथ भी सभी की वेदना है, लेकिन ये कार्रवाई पूरी तरीके से किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराई जा रही है। कानून के जानकार हमारे साथ यहाँ पर है निमेश वशा जी, जो कानून पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस पूरी कार्रवाई पर कानून के मद्देनजर क्या कुछ कहना है और ये परिवार को न्याय किस आधार पर मिल सकता है। नमस्कार निमेश जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए कानून के ये पूरी जो कार्रवाई की गई है महानगर पालिका ने और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने टोटली इलीगल है, ये उनके पास वो राइट्स ही नहीं है कार्रवाई करने की। सेकेंड थिंग, हाईकोर्ट्स में भी ऐसे बहुत से मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे बहुत से मैटर है जहाँ कोर्ट ऑर्डर देते समय बोलता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ो, लेकिन स्पेसिफिक एक वर्ड लिखता है, सेंटेंस लिखता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड बोले तो क्या, कि वो वहाँ के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला है उनको नोटिस देना, वो प्रोसेस फॉलो करना और फिर बाद में वो डेमोलिशन करना। अब ये इलीगल जो ये रिसोर्ट है, अपन मानते हैं कि चलो ये इलीगल रिसोर्ट बनाया हुआ था, तो ये एक रिसोर्ट तो नहीं, यहाँ पूरे एरिया में टोटल 40-50 रिसोर्ट बांधे हुए, और ये 40-50 रिसोर्ट बांधे हुए जब बांधे गए तो ये तहसीलदार को पैसे नहीं मिले क्या, ये कलेक्टर को पैसे मिले नहीं क्या, या पुलिस डिपार्टमेंट ने ये पैसे खाए नहीं क्या, ये हर एक के पास हर महीने हफ्ते इनके पास पहुँचते, सबके पास हफ्ते पहुँचते, कोई भी बचता नहीं हफ्ता लेने के लिए, सब हफ्ता लेने बरोबर टाइम पे हफ्ता लेके जाते, तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके तोड़ना मांगता था, तो यहाँ लोगों ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। जैसा चीफ मिनिस्टर को भी हम इसमें पार्टी बनाएंगे, एकनाथ शिंदे को भी मैं पार्टी बनाऊंगा इसमें, यहाँ का कमिश्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टर तो पार्टी रहेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर भी पार्टी हो सकता है। जैसा कि द गवर्नमेंट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द लीगल राइट्स एंड ओन ए पर्सन अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी चीफ मिनिस्टर को तो पहले जो कायदे का जो भी प्रोसेस है वो पहले चीफ मिनिस्टर को फॉलो करने का रहता है, और ये चीफ मिनिस्टर ने तो कुछ भी नहीं किया, खाली मेरा आदमी ऑफ हो गया है कुछ सर्टन पोजिशन से, मैंने फ़ोन कर दिया और उन्होंने खुद कबूल किया है मीडिया के अंदर चीफ मिनिस्टर ने कि ये महीने का फ़ोन करके बोला था और ये तोड़ा,
आज अगर फोन करके बोला तोड़ा, जो हाईकोर्ट का जज रहता है वो चीफ मिनिस्टर से ऊपर है, वो बोलता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करो, और ये चीफ मिनिस्टर बोलता है तुम तोड़ दो, और ये ऐसा हो सकता है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये गुंडाशाही है, ये लोगों के मन में जैसा भी आया वैसा लॉ का इस्तेमाल करते हैं, और पुलिस मशीनरी और ये गवर्नमेंट मशीनरी उनकी उनकी गुलाम है। उरण में यशश्री शिंदे की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ बच्ची के साथ में, उसके बाद उसकी हत्या की गई बड़े निर्मम तरीके से, विभत्स तरीके से उसकी हत्या की गई, उस पर कहीं कानून कायदा कुछ फिट नहीं बैठता, सबूत पर सबूत मांगे जाते हैं। वसई की घटना देखिए, आरती यादव का हत्याकांड जो हुआ, पब्लिक डोमेन में वीडियो अवेलेबल है, साफ तरीके पे दिख रहा है आरोपी कौन है, बावजूद उसके अब सबूत पर सबूत खंगाला जा रहा है, उन पर कार्यवाही नहीं होती, यहाँ पर लेकिन न्यायपालिका तुरंत तय कर देती है, ये क्या नहीं, लगता ये जो कार्रवाइयाँ नहीं होती है या कार्रवाई होती है, बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, उनके लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ये सब इशू क्या है? करप्शन, ये करप्शन ही मेन इशू है। जब करप्शन तुम पैसा लेते हो, हफ्ता लेते हो, तभी ये खड़ा हुआ ना, ये ऐसे ही खड़ा हुआ क्या? और ये जो धंधा चालू रहा हो कर रहे थे लोग, ये ऐसे ही हुआ क्या? ये पुलिस अर्नाला की पुलिस क्या आग बंद करके बैठी है क्या? कितना दूर है अर्नाला की पुलिस? उनको मालूम नहीं क्या इतने रिसोर्ट चालू है? तहसीलदार कचेरी में जो तहसीलदार बैठता है उसको मालूम नहीं क्या ये रिसोर्ट चालू है? कलेक्टर को मालूम नहीं? आज दो महिलाओं को जो पूछताछ किया, रिमांड रिपोर्ट में उनका नाम भी नहीं है, रिमांड रिपोर्ट में उनका नाम भी नहीं है, वो आरोपी भी नहीं है, अभी तक एक्यूज भी नहीं है, वो एक्यूज भी नहीं है रिमांड रिपोर्ट में। जब भी पुलिस ने फाइल किया रिमांड रिपोर्ट में 11 आरोपी का नाम है, और 11 में से वो दो महिलाओं के नाम ही नहीं है इसमें, बावजूद उसके इन्हें तलब किया जा रहा है। तो वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम लेंगे, ह्यूमन राइट्स में पुलिस डिपार्टमेंट को भी लेंगे, इन्हें न्याय मिल पाएगा 100% हो पाएगा इनका। मैं मेरे तरफ से एज एडवोकेट में पूरी कोशिश करूंगा कि इनका नुकसान भरपाई कैसा मिला जाए, और कैसा हो ये मैं पूरा कोशिश करूंगा। धन्यवाद। तो आप समझ पा रहे हैं ये इस कार्रवाई को किस तरीके से लोग ले रहे हैं, साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना चला रहे हैं एमपी के तर्ज पर, बुलडोजर बाबा योजना चला रहे हैं यूपी के तर्ज पर, अब लेकिन उसके तर्ज पर जो ये योजनाएं जो धरातल पर लाई जा रही हैं उसके बाद ये आप नज़ारा देख पा रहे हैं, तहस नहस हो चुका है पूरी तरीके से, न्याय की गुहार लगाने अब आखिर ये किसके पास जाए, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि ये इस परिवार की लड़ाई किसी आम इंसान से नहीं है, इस परिवार की लड़ाई सीधे सिस्टम से है, इसलिए इस परिवार का मंजर आज आपकी आंखों के सामने है। आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। हालांकि तमाम समाज सेवी संगठनाएं सामने आ रही हैं, एडवोकेट सामने आ रहे हैं, सभी का कहना है कि वो इनके साथ में है, वो इन्हें न्याय दिला कर रहे हैं।